गूगल स्लाइड्स में जाना है तो वी हैव टू टाइप इन द एड्रेस बस स्लाइड्स डॉट गूगल डॉट कॉम वी हैव टू टाइप स्लाइड्स डॉट गूगल डॉट कॉम तो गूगल स्लाइड्स खुल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारा जो टेम्पलेट है वो है यहाँ पर, बट हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट यूज करेंगे। अब जैसे नॉर्मल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में पावर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसमें भी वैसे बना सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू इन दिस। सबसे पहले तो फाइल में जाते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करना आप लोग को आता है, यस और नो? सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। या वेट, तो अभी तक मैंने ये बोला कि गूगल स्लाइड में जाना हो तो हम लोग आइकन से जा सकते हैं। ये जो गूगल ऐप का जो आइकन है इससे जा सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग को टाइप करना होगा स्लाइड्स डॉट गूगल डॉट कॉम। यहाँ से हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, आज का टास्क वन है ये हम लोग का, एंड टूडेज डेट इज 16th मार्च। सो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है। शेयर करना सबको आता है, शेयर करने के क्या तरीके होते हैं? ईमेल आईडी टाइप करके आप शेयर कर सकते हो या लिंक भी शेयर कर सकते हो। नया प्रेजेंटेशन में जाना है या टेम्पलेट में जाना है या नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ पुराना स्लाइड्स ओपन करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट स्लाइड्स का मतलब होता है ऑलरेडी दूसरा प्रेजेंटेशन में बनाए हुए स्लाइड से लेना। मेक अ कॉपी का मतलब होता है कि जो स्लाइड ऑलरेडी बनाया हुआ है उसका हम लोग एक कॉपी करेंगे या फिर पूरा स्लाइड का ही कॉपी करने वाले हैं हम लोग। ईमेल कर, ये आप पर्सनल वाला किए क्या? ये पर्सनल वाला चूज किया आप? नहीं, तो मतलब आप ओपन करते तो कुछ दिखाया नहीं ऑप्शन पर्सनल एंड और एक दिखाया था? नहीं देखो मैं दिखा रहा हूँ इसमें slides.google.com ये खुलेगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन ब्लैंक। Is it clear? Hello? Varsha, is it clear? Yes, sir. Yeah. So, email भी कर सकते हैं, download कर सकते हैं इसको PowerPoint के format में या PDF के format में। Make available offline का मतलब होता है हम लोग इस पे तभी भी काम कर सकते हैं जब नेट नहीं है, एंड जब नेट अपना आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। लाइक व्हाट्सएप में मान लो नेट ऑफ करके मेरे पास मान लो 1000 चैट्स पेंडिंग है, मैं अपना नेट ऑफ कर दूंगा, 1000 चैट्स को मैं रिप्लाई कर दूंगा, मेरे को जो भी रिप्लाई कर रहे हैं, जब नेट ऑन होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई सामने वाले को डिलीवर हो जाएगा। वर्जन हिस्ट्री का मतलब होता है जैसे जैसे चेंजेस होता है अलग अलग वर्जन बनते जाता है। तो अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो हम इसमें जाकर के ओल्ड वर्जन को वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। फाइल को रीनेम हम लोग यहां से भी कर सकते हैं या फिर यहां पर जाकर भी हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं। मूव का मतलब क्या है, अगर ड्राइव में किसी दूसरे फोल्डर में है या बाहर है तो उसको किसी भी फोल्डर में हम लोग मूव कर सकते हैं, अगर किसी फोल्डर में है तो उसको शॉर्टकट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मूव टू बीन मतलब डिलीट करना, डिलीट डायरेक्टली नहीं होता है गूगल सूट में या गूगल में, ये पहले ट्रैश में जाता है, ट्रैश में 30 डेज तक रहता है एंड देन ऑटोमेटिकली वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। पब्लिश टू द वेब का मतलब होता है ये स्लाइड आपके वेबसाइट में चला जाएगा। तो फाइल वाला पार्ट क्लियर आप लोग को, जितने भी ऑप्शन है फाइल में? यस। ऑल्दो अब एडिट में जाइए, अंडू रीडू वेरी नॉर्मल, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, डिलीट डुप्लीकेट सेलेक्ट ऑल एंड फाइंड एंड रिप्लेस, कुछ समझाने का नहीं, वेरी क्लियर। व्यू स्लाइड शो में देखने के लिए कंट्रोल F5 शॉर्टकट है, मास्टर ग्रिड व्यू जूम रूलर, जैसे देखो यहाँ पे रूलर दिखा रहा है अभी दिखा नहीं रहा है, तो व्यू में जब जाएंगे हम लोग रूलर पे क्लिक कर देंगे तो ये रूलर दिखाएगा यहाँ पर, गाइड्स स्नैप टू शो स्पीकर नोट्स फुल स्क्रीन, दिस इज द फुल स्क्रीन, तो इसमें वो ऊपर वाला टैब चला जाएगा। अब जब एस्केप प्रेस करेंगे तो ये वापस से नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगा। जनरली हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं गूगल स्लाइड। इसी स्पीकर नोट्स का मतलब क्या होता है, जब आपका स्लाइड्स अटैच होगा तो वो नोट्स भी रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस इज द ग्रिड व्यू एंड दिस इज द लिस्ट व्यू।
ये हो गया आपका इंसर्ट, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट, लाइन, स्पेशल कैरेक्टर, एनिमेशन, अभी कुछ है नहीं बोल करके आ नहीं रहा है, लिंक, कमेंट, न्यू स्लाइड, स्लाइड नंबर्स, फॉर्मेट, नॉर्मल वर्ड वाला फॉर्मेट जो होता है वो, स्लाइड का मतलब होता है लेआउट, बैकग्राउंड चेंज करना, ट्रांजिशन देना, अरेंज का मतलब ऑर्डर वगैरह उसका, टूल्स में स्पेलिंग चेक करना, एक्सप्लोर मतलब टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक्सप्लोर का मतलब लिख लो टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वॉइस टाइपिंग जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोग गूगल डॉक्स में देखे थे, एडऑन्स हम लोग अभी कुछ कर नहीं रहे थे, बहुत सारे एडऑन्स है यूज करके आप और एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं, हेल्प का मतलब क्या होता है अगर आपको गूगल सर्च में कुछ करना है और आपको नहीं आ रहा है तो आप हेल्प में जा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं हाउ टू यूज गूगल स्लाइड्स एंड अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो तो. तो सबसे पहले मान लो मैं एक गूगल स्लाइड बना रहा हूं एंड आई विल प्रिपेयर ऑन एमएस धोनी एंड एमएस धोनी इज फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि मेरे को यहां नहीं चाहिए तो इस एरो से मूव कर सकते हैं इसको जहां भी मेरे को चाहिए मेरे को अब इमेज इंसर्ट करना है ये तो सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा ही तो हो गया ना लेकिन इसमें आप इसमें से पावर पॉइंट में तुम अकेले काम करोगे अब इस गूगल स्लाइड्स में क्या है इसको मैं शेयर कर देता हूं तो तुम लोग भी इस पे काम कर पाएगा सर सारे गूगल का ये सब में यही एक फीचर है ना कि शेयर करके भी काम हो सकता है काम हो सकता है प्लस तुम इसको देखो जब इंसर्ट इमेज में जाती हो तो पावर पॉइंट में क्या है या तो कंप्यूटर में तुम्हारे पास ऑलरेडी इमेज होना चाहिए करेक्ट यहाँ पे तुम ड्राइव से ले सकती हो डायरेक्टली कैमरा में क्लिक कर सकती हो और डायरेक्टली नेट में सर्च कर सकती हो सर वो तो नॉर्मल उसमें भी तो होता है पीपीटी में नहीं 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 हो पाएगा तुम सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्राई करो नहीं हो पाएगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है ना हमको पहले डाउनलोड करना पड़ता है एंड देन वी डू दैट और एक अच्छा फीचर है इसमें मैं बता रहा हूं तुमको भी तो इमेज डाल दिया मैंने ठीक है अब इमेज डालने के बाद जब मैं वीडियो इंसर्ट करूंगा ना तो YouTube से मैं ले रहा हूं वीडियो मैंने YouTube से वीडियो लिया अब इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या है इसको क्लिक करके ना यू कैन स्टार्ट चूज द स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम पूरा वीडियो 3 मिनट 18 सेकंड का है बट मेरे को 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक ही दिखाना है तो क्या होगा पूरा वीडियो नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा बीच का 1 मिनट ही दिखाएगा तो मेरे को ट्रिम करने का जरूरत भी नहीं है आई डोंट नीड टू ट्रिम एट ऑल मेरे को ट्रिम करने का दरकार नहीं है अब देखो जब मैं इसको कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूं एक मिनट बाद स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली 2 मिनट में स्टॉप हो जाएगा माय हैंड्स आर फ्री सो ये आप वीडियो इंसर्ट कैसे किए इंसर्ट में जाके इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो में जाओ अच्छा अच्छा देखना जैसे ही 2 मिनट पहुंचेगा
ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ये आई गेस पावर पॉइंट में नहीं होता है वीडियो ये वाला। नहीं है पावर में, तो वीडियो ट्रिम करना पड़ेगा, यहाँ वीडियो ट्रिम करने का ऑप्शन नहीं है, देखो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। तो मान लो मैं मतलब मेरे को कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है कंपनी में, और मेरे को यूट्यूब का उस पर्टिकुलर, जैसे वीडियो तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो होता है, बट मेरे को स्पेसिफिकली कोई 2 मिनट दिखाना है, तो आई कैन यूज दिस फीचर। बाकी तो सब टेक्स्ट बॉक्स है, ऑडियो है। अब ऑडियो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ, वेट मेरा एक तो बनाया हुआ है, एड अदर अकाउंट, यूज अनदर अकाउंट। देखना इसमें मैं उसको ऑन करूंगा तो म्यूजिक बजेगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली विथ पावर पॉइंट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू विथ पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, सॉरी मैं शेयर विथ मी में गया, एंड देन अल्टीमेटली सर्च में ओनर एनीवन ने नॉट ओन बाय मी आइटम ने शेयर टू मी। ये देखो, देखना म्यूजिक बजेगा अपने आप ही। Did you see? यस सर। So, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है मतलब इसमें, मतलब इफ यू यूज लेआउट थीम ट्रांजिशन एवरीथिंग यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन आउट ऑफ इट। एक बार आप फीचर्स एक्सप्लोर करिए, लाइक जितने भी है एक बार आप खाली इसमें नाम वाम पढ़ के नॉर्मल बस खाली एड ऑन चेंजेस वगैरह करके देखिए, कुछ भी एक छोटा सा 2-3 स्लाइड बनाइए, ट्रांजिशन वगैरह सब देखिएगा उसमें, ड्रॉप शैडो बहुत सारा फीचर्स है। इफ आई डू ड्रॉप शैडो इसमें आपका एंगल आ जाएगा, ऑल डिपेंड्स ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, डिस्टेंस कितना रखना है, ब्लर रखना है तो रिफ्लेक्शन भी रख सकते हैं हम इसमें। साइज भी डिपेंड करता है।
सर इसमें फीचर है तो फिर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट क्यों माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशंस क्यों यूज करते हैं मतलब ज्यादा लोग बिकॉज मतलब पता नहीं होता है इसलिए एक्चुअली ये गूगल तो अभी लॉकडाउन से जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है तो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग जी सूट, ओके अदरवाइज सब पावर पॉइंट यूज करते थे ना. इसमें नेट कनेक्शन का मेन इशू है ना, नेट कनेक्शन चाहिए, नेटवर्क चाहिए. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग आउट. यस हमारे कॉलेज में 5 जन का टीम है, 5 जन को मिलके प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं यहाँ पर मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट कर दूंगा. तो पहला 3 स्लाइड पे वर्षा काम करेगी, 4, 5, 6 पे तमन्ना काम करेगी, 7, 8, 9 पे तो क्या है एक ही स्लाइड पे सब काम होगा. यस यू डोंट नीड टू लाइक फर्स्ट मेक 3 3 स्लाइड्स एंड देन मर्ज इट आउट, वो सब का झमेला नहीं रहेगा. एंड फिर इसमें क्या है रियल टाइम चैट भी है, अगर मेरे को ये समझ में नहीं आया तो आई कैन सिंपली कमेंट ऑन इट ना, मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ. ये सर और एक में था इससे पहले जो आप कराए थे उसमें भी तो था, कमेंट सब में, कमेंट सब में कमेंट कर दूंगा प्लीज चेंज द फॉन्ट ऐसे करके मैं कमेंट कर दूंगा. बट सर आप कोई एक चीज का फीचर बताए थे ना कि विदाउट नेट कनेक्शन भी होता है, किसका दैट इज अवेलेबल ऑफलाइन. देखो इसमें क्लिक करो मेक अवेलेबल ऑफलाइन टर्न ऑन, तो बाद में जब होगा तब अपलोड कर सकते हैं हम लोग ड्राइव पे. रीलोड टू अलाउ ऑफलाइन एडिटिंग डॉक्यूमेंट नाउ अवेलेबल ऑफलाइन ऑल्सो, तुम इसमें एडिट कर सकती हो, फिर जब ऑनलाइन आएगा तो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा वो. यस एक बार 5-10 मिनट इसको ट्राई कर लो. प्लीज ट्राई कर लीजिए एक बार आप लोग, थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों को ट्राई करना है. हाँ सर लाइक वी कैन यूज द टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, टेम्पलेट्स आप देख लो, अगर आपको टेम्पलेट समझ में आता है इस टाइप का टेम्पलेट है तो बस खाली इसमें आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ पार्ट है उसको एडिटिंग कर दो, बाकी डिजाइनिंग एंड ऑल सब कुछ ऑलरेडी लाइक किया हुआ है. यहां पर आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं, मतलब बेसिक एडिटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, बस खाली आपको चेंज करना है. ये टेम्पलेट्स का स्लाइड्स में ही है. ओके देखो यहाँ पर रिप्लेस इमेज है तो चेंज करने का दरकार क्या है, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करो, रिप्लेस इमेज सर्च फ्रॉम वेब. तो मान लो यहाँ पर हम अगर मान लो धोनी का इमेज लगाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक देखो फिट हो जाएगा इसमें धोनी का इमेज, कुछ करने का दरकार नहीं है मेरे को. सेलेक्ट ऑन द फोटो, राइट क्लिक, रिप्लेस इमेज. देख सकते हैं कि विदाउट एनी हार्ड वर्क मैंने इसको, हम लोगों को नाम चेंज करना, मैं नाम चेंज कर दूंगा यहां से MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा. तो ये रीसाइज वगैरह करने का झमेला नहीं रहेगा. अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल.
ट्राई करें आप लोग। यस सर। सर शेयर करना आपसे जो बनाए हैं। हाँ बना के हमको लिंक शेयर कर देना। सर हम बनाए नहीं अभी तक, बस ट्राई कर रहे थे। करो जो भी, एक कम से कम 2-3 पेज तो बनाओ। ओके हम एक पेज ही बनाए सर। एक पेज और बनाओ। तुम लोग में से जो भी शेयर करेगा बता देना मेरे को। सर देखिए हम शेयर किए। एक्सेस दो मेरे को। ये कैसे करें सर?
जाओ अपने ईमेल आईडी में जाओ। उसमें आया होगा प्रवीण एट द रेट एक्चुएटर्स इंडिया डॉट कॉम इज रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सेस। हाँ उसमें है। उसमें क्लिक करके एक्सेस दो, एंटर देना है। अब हुआ सो अब चेक करते हैं। हाँ सो आई विल गो इन प्रेजेंट। वीडियो तुम ट्रिम की हो क्या? अच्छा नहीं ट्रिम नहीं किए। ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकती हो तुम ऑडियंस से। अच्छा ठीक है, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस टूल्स एंड देन नोट्स, कुछ भी हो तुमको अगर लिखना हो इस पे, मतलब पॉइंटर सर, है, आप किसमें जाके किए, कौन से टैब में जाके? ओके ये नीचे में आएगा तुम्हारे। जब तुम प्रेजेंट भी में जाओगी ना, ओके कैप्चर भी आता है, लाइक तुम टर्न ऑन। सो गाइस व्हाट एवर आई एम टेलिंग इट विल कम इन द बिलो, सी द बॉटम। सो वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग एंड रिकॉर्डिंग योर क्लासेस इन अ प्रेजेंटेशन मोड, सो अल्टीमेटली योर लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड विद ऑटो कैप्शन, सो दैट द पर्सन हु इज सीइंग लाइव और रिकॉर्डेड विल गेट टू गेट अ बेटर व्यू। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। टेक्स्ट पोजीशन बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है, साइज तुम्हारा मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। एग्जिट सेटिंग्स, सेटिंग्स भी देख सकता है तुम। ऑटो एडवांस एवरी 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स तुम चेंज कर सकता है। ओपन स्पीकर नोट्स, मोर सेटिंग्स में डाउनलोड एज पीडीएफ पीपीटी। इज इट क्लियर? यस सर। तमन्ना वेट करे तुम्हारा साइट का, तुमने क्या सर? हाँ सर, भी एक सेकंड, लैपटॉप बंद हो गया था।
सर आई हैव सेंट रिक्वेस्ट दो मेल में आएगा क्या जब शेयर करते हैं ना तो सेटिंग्स में जाकर के एनीवन विद द लिंक एंड एक्सेस वो क्लिक करना पड़ता है हाँ सर एक्चुअली आज हम फोन से किए इसलिए प्रॉब्लम हुआ ये फोन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन यू कैन नॉट डाउनलोड यू कैन नॉट इंसर्ट वीडियो क्योंकि फोन से वीडियो इंसर्ट नहीं होता है गूगल स्लाइड्स में नहीं मीट मीट जॉइन फोन से किए नहीं इन जनरल बता रहा हूँ कि गूगल स्लाइड्स में फोन से वीडियो इंसर्ट नहीं होता है एंड फोन में तुम्हारा बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल नहीं होता है सर आ गया होगा आई गेस ये 30 सेकंड का कर दिया देखते हैं एक ही पेज बनाई हो गया ठीक है जैसे हाँ सर ये व्यू ओनली है एडिट एक्सेस चाहिए तो हम एडिट एक्सेस भी मांग सकते हैं सर कुछ बोल रहे हैं आप बोल नहीं रहे अभी अब बोलेंगे इसमें से बताओ क्या क्या हो गया तुम लोग का पहला 3 हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया हाँ मीट तो ठीक है छोड़ दूसरों को सिखाने का नहीं है फॉर्म हो गया जैमबोर्ड हो गया गूगल हाँ न्यूज तो बकवास है क्लासरूम देख लो सर ये क्लासरूम लास्ट क्लासरूम ही है क्या बस हम लोग का दो तीन तो छोटा छोटा और है लाइक गूगल लीड LIT है गूगल अर्थ है वो अच्छा तीन क्लास में और खत्म दो क्लास में और खत्म कर देंगे तो सर ये जो आप लोग एग्जाम लेंगे उसमें क्या कराएंगे गूगल जैसे रिसोर्स एग्जाम में लेकिन जैसे मान लो तुमको सारा फीचर यूज करके डॉक बनाना पड़ेगा एक्सेल बनाना पड़ेगा स्लाइड बनाना पड़ेगा गूगल क्लासरूम में सारा सब कुछ जो भी सिखाएंगे अभी तुमको सब देना पड़ेगा ये सारा टास्क के बेसिस पे तुम्हारा मतलब समझो हर ऐप के पीछे में 50 मार्क्स होगा तो तुम जितना फीचर डालोगी उस हिसाब से मार्किंग होगा हर चीज में कम से कम 50 चीज सीखने का है तो मान लो तुम 40 चीज इनकॉर्पोरेट करो तुम आउट ऑफ 50 40 मिलेगा एंड हर ऐप पे पास फेल होगा एवरी ऐप में पास एंड फेल होगा गूगल फॉर्म में पास हो गई गूगल डॉक्स में फेल हो गई तो गूगल डॉक्स को वापस से तुमको एग्जाम देना होगा ओके तो पासिंग मार्क्स होगा फिर तो 80% 40 है 40 40 में 100 में 40 होता है पासिंग मार्क्स नहीं नहीं 80% होता है हम जो गूगल सर्टिफाइड का कोर्स किए हैं मेरा भी पासिंग मार्क्स 80% था सर आप कहाँ से किए थे गूगल से किए हम देखो व्हेन यू गो टू एडू डायरेक्टरी ना एडू डायरेक्टरी बोल के होता है इसका देखो एडू डायरेक्टरी वो तो डिजिटल मार्केटिंग का जैसा होता है वो ही क्या नहीं नहीं देखो गूगल फॉर एडुकेशन का डायरेक्टरी है ये हाँ अच्छा
इसमें आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया, तुम जब इंडिया में जाओगी, ये देखो इंडिया में, ईस्ट इंडिया में सबसे फर्स्ट सर्टिफाइड ट्रेन हम ही है, ये पूरा ईस्ट इंडिया में है। ये देखो पूरा इंडिया का ये जो 40% ऑफ इंडिया है ना, देखो अभी भी वाह, मेरा बहुत मेरा नाम देखो इस पे, कांग्रेचुलेशंस। एक पटवारी सर्टिफाइड ट्रेनर, कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया, आई एम द फर्स्ट वन। लाइक इसके पहले भी लोगों ने किया है, बट अभी एक्टिव ट्रेनर में देखा जाएगा तो मैं हूँ, मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में आई एम द मोस्ट एक्टिव ट्रेनर। तो मेरे पास बहुत बार आता है कि मेरे को सिखाइए, मैंने सिखाया भी है दिल्ली के टीचर्स को, दिल्ली यूपी के टीचर्स को, जो जो चीज मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ वो लोग को भी मैंने शॉर्ट में समझाया है। तो सर, ये आप पेड किए थे कि ऐसे हाँ इंटर्नशिप? एग्जाम एग्जाम देना पड़ता है इसका, अच्छा मैंने मैम, मैंने 3 एग्जाम दिया था, ये जो बैच है यही इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये एग्जाम हम लोग को वहां पे आके देना पड़ेगा कि हम लोग घर से ही ये बना तो के? तुम लोग घर से दे सकते हैं, इसलिए तुम लोग को मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। टाइम चाहिए होगा बनाने के लिए। हाँ तो सर, ये तो हम लोग जैसे जी सूट का क्लासेस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो एक एक करके दे ही सकते हैं अगर आप सेट दे कर सकते हैं, देते लेकिन तो। उसके लिए फिर अलग से मैं तो तुमको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं होगा, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन करना होगा, मतलब पूरा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा तुमको उसके लिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी रहता है और टास्क भी रहता है। नहीं सर, अगर जो आप हम लोग का टेस्ट लेंगे हम उसके लिए बोल रहे हैं, हाँ उसके लिए उसके क्या लिए तो नहीं पढ़ना होगा कुछ? उसके लिए तो पढ़ना नहीं होगा ना, फीचर्स यूज करके आपको भेजना होगा। हाँ ओके मतलब मेरा बेसिक कंसर्न विल बी ऑन द प्रैक्टिकल साइड, नॉट ऑन द थियोरेटिकल साइड। या सो ये गूगल क्लासरूम है, ठीक है, जितने भी क्लासरूम है ना, अगर आपको देखना आप कितने क्लासरूम ज्वाइन करके रखे हो, वो इस 3 डॉट से दिखेंगे, 3 लाइंस जो है ना पैरेलल लाइंस, यहाँ पर ये सारे आपके क्लासरूम होंगे। आर्चिव क्लास का मतलब होता है डिलीटेड क्लासरूम, तो अभी कोई डिलीटेड क्लासरूम है नहीं। अगर मेरे को क्लासरूम क्रिएट करना है तो प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट क्लास, क्लास का नाम मैं दे रहा हूं जी सूट बैच 1 सेक्शन, इवनिंग सेक्शन है क्योंकि सारा क्लास हम लोग का इवनिंग में ही हुआ है। सब्जेक्ट इज गूगल फॉर एजुकेशन एप्स, और रूम देने का दरकार नहीं है, है तो आप दे सकते हैं, बिकॉज अगर मान लो फिजिकल क्लासरूम होता तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 रूम है, तो मैं लिख सकता था रूम नंबर 1 क्रिएट। तो 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है क्लासरूम क्रिएट होने में, 15 से 20 सेकंड के बाद हम लोग का फर्स्ट पेज खुल जाएगा। आप घड़ी देख सकते हैं, घड़ी देखते 15 से 20 सेकंड ही लगता है, किसी किसी का ज्यादा लगेगा नेटवर्क इशू के कारण, बट सर, जिनका आप नेटवर्क क्रिएट कैसे किए थे? हाँ क्रिएट कैसे किए, ये देखो प्लस साइन है ना यहाँ पर एक, अच्छा, तो ये मेरा फर्स्ट पेज है, दिस इज द क्लास कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। आप अपने गूगल क्लासरूम में जाओ, आप अपने गूगल क्लासरूम में जाओ एंड प्लस साइन में क्लिक करके ज्वाइन क्लास में जाओ, तो यहाँ पे क्लास कोड मांगेगा, और जब ये क्लास कोड आप दे दोगे तब ऑटोमेटिक मेरे क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट ऐड हो जाओगे, आप ऑटोमेटिक मेरे क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट ऐड हो जाओगे। सर अभी ज्वाइन करें? हाँ आगे सिखाएंगे, सर लिंक तो कुछ नहीं आया, कैसे ज्वाइन करें? वो क्लास कोड भेजे ना एक, सर बता रहे रॉन्ग कोड।
एक काम करो, देखो टीचर स्टूडेंट, टीचर तो अभी हम ही हैं, स्टूडेंट तुम लोग हैं, तो ये इनवाइट लिंक मैं भेज देता हूँ तुम लोग को, अब ज्वाइन करो। अगर आप फोन से कर रहे हो तो गूगल क्लासरूम का ऐप होना चाहिए आपके फोन में। सर नहीं है, मेरे को तो बोल रहे हो यू योर अकाउंट कैन नॉट एक्सेस दिस क्लास। क्यों पता है, इसका रीजन क्या है, हम लोग का जो डोमेन है वो एक्चुएटर्स इंडिया डॉट कॉम है, लेकिन आप लोग का तो नॉर्मल जीमेल अकाउंट है, इसीलिए नहीं हो रहा है, अच्छा इसीलिए नहीं हो रहा है। तो सेटिंग्स में जाके देखते हैं हम लोग, नहीं वैसा कुछ नहीं है, मतलब आप लोग अपना खुद का क्लासरूम बना सकते हो, बट जी सूट वाले पे नहीं ज्वाइन कर पाओगे आप, क्योंकि जी सूट वाला का आईडी ही होना चाहिए आपको बस, जो कि आप लोग के बस में नहीं है। बट चलिए अभी स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं कितने टैब्स दिख रहे हैं आपको इसमें। स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, मार्क्स। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कुछ भी मैसेज पोस्ट करना है, जैसे कि डियर स्टूडेंट वेनेसडे 4 PM क्लास, विथ रिगार्ड्स AEI। मैंने ये मैसेज पोस्ट कर दिया, जैसे ही मैं ये मैसेज पोस्ट करूंगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट में एडेड होते तो आपके पास ईमेल में नोटिफिकेशन चला जाता, प्रवीण पटवारी मेड अ न्यू अनाउंसमेंट, दिस इज अनाउंसमेंट, ठीक है। इसको मैं एडिट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। तो स्ट्रीम इज बेसिकली फॉर पोस्टिंग अनाउंसमेंट, नोटिसेस, सर्कुलर एक्सेट्रा। इट इज जस्ट लाइक फेसबुक फीड, इट इज जस्ट लाइक फेसबुक फीड। स्ट्रीम में जो मैसेज करते हो वो क्लास वर्क में नहीं दिखेगा, लेकिन क्लास वर्क में जो मैसेज करते हो वो स्ट्रीम में दिखेगा। तो स्ट्रीम इज द बेसिक समरी ऑफ अनाउंसमेंट्स, नोटिसेस, एवरीथिंग। इट इज जस्ट लाइक फेसबुक फीड। क्लास वर्क में क्या होता है, मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ, क्विज असाइनमेंट दे सकता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मटीरियल अपलोड कर सकता हूँ, रीयूज पोस्ट कर सकता हूँ, टॉपिक क्रिएट कर सकता हूँ। सर टॉपिक क्रिएट करिए, टॉपिक मैंने क्रिएट किया स्टैट्स। तो जितने भी स्टैट्स का मटेरियल होगा, असाइनमेंट होगा, सब मैं स्टैट्स में जाऊंगा। फिर एक टॉपिक क्रिएट किया मैथ्स, इससे क्या होगा, बच्चा सीधा मैथ्स के क्लास वर्क में जाएगा और मैथ्स का नोट्स खोजेगा, स्टैट्स के क्लास वर्क में जाएगा, स्टैट्स का नोट्स खोजेगा। तो मेरे को असाइनमेंट क्रिएट करना है मान लो, ठीक है, मैं इसको टास्क 1 दे देता हूँ, पॉइंट्स भी दे सकता हूँ, ड्यू डेट सेट कर सकता हूँ, टॉपिक में मैथ्स दे दिया, ठीक है, और एक डॉक क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट करिएगा हमेशा, अगर आप चाहते हैं बच्चे इसके अंदर काम करें तो मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, अदरवाइज स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल, स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल, और मैं असाइन कर दूंगा। तो आप देखोगे ये जो असाइनमेंट किसके अंदर में आ रहा है, ये असाइनमेंट किस में आ रहा है, टास्क नहीं मैथ्स के मैथ्स के अंदर अंदर आ में आ रहे रहा है। मैथ्स। अब मेरे को मान लो एक मटेरियल क्रिएट करना है, मैंने एक मटेरियल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या लूंगा मैं, मैथ्स या स्टैट्स, स्टैट्स लूंगा। मीन मीडियम मोड तो देखो इस तरीके से क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टॉपिक आप अपना नोट्स वगैरह को सेग्रीगेट कर सकते हो, ताकि बच्चों को खोजने में दिक्कत नहीं हो। इज इट क्लियर, यस सर। आप डायरेक्टली यहां से मीट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। ये मीट लिंक देख रहे हैं, इसमें आप जनरेट मीट लिंक कर दो,
अब मेरे को मैंने क्या इन्फॉर्म किया स्ट्रीम में, कितने बजे क्लास है, कितने बजे फोर क्लास है? 4 बजे। तो बच्चे जैसे अभी आप लोगों को लिंक आता है ना ग्रुप में, येस और नो? अभी आप लोगों को लिंक आता है ना ग्रुप में, तो डेली डेली का बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल क्लासरूम बना लूंगा, गूगल क्लासरूम में सारे जी सूट के बच्चों को ऐड कर दूंगा, ठीक है? और मैं अनाउंसमेंट दे दूंगा कि 4 बजे क्लास है। तो टीचर को क्या करना है, 4 बजे क्लासरूम में आना है और मीट लिंक जनरेट कर देना। हो गया ज्वाइन, ये मेरा मीट आ गया ऑटोमेटिक। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इसमें, अगर आप मेरे क्लासरूम में होंगे तो। इज इट क्लियर? ये डेली डेली लिंक शेयर नहीं करना पड़ेगा मेरे को आपसे। सर ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्पफुल है ये? जो ऑफिस का बॉस है उसके लिए हेल्पफुल है। ऑफिस का बॉस को कुछ भी टास्क देना है, वो टास्क यहाँ पे अपडेट कर देगा। मीटिंग करना है, मीटिंग यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो लिंक विंक उसको कुछ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना फोटो भी लगा सकता हूँ, अपलोड फोटो में जा करके, अपलोड फोटो में जा करके, अगर मेरे को मान लो कोई मेरे पास अगर इमेज होगा, कोई अगर मेरे पास मान लो इमेज होता, पेरिस का इमेज है, देखते हैं, आई होप तो ढंग का हो, उतना साइज का ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका फोटो भी डाल सकते हो, थीम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा थीम मान लो मैथ्स एंड साइंस का है, तो मैं इसको क्लास का थीम चेंज कर, जैसे गूगल फॉर्म में अपने चेंज करते थे। क्लास वर्क इज फॉर पोस्टिंग नोट्स मटेरियल्स एक्सेट्रा। पीपल का मतलब टीचर्स को ऐड करना है, स्टूडेंट्स को ऐड करना है। स्टूडेंट्स को ऐड करने का क्या, लिंक दे दो या ईमेल एड्रेस से इनवाइट कर दो या उनको ये क्लास कोड भेज दो। लेकिन टीचर्स को ऐड करने के लिए टीचर्स का ईमेल आईडी ही टाइप करना होगा, अदरवाइज टीचर्स विल नॉट बी एडेड। अच्छा, यहाँ पर जब मैं असाइनमेंट लेता हूँ तो असाइनमेंट में मार्क्स दूंगा, यस और नो? इस असाइनमेंट में मार्क्स दूंगा, यस और नो? यस सर। तो मेरे को पूरे क्लास का समरी यहाँ मार्क्स में मिल जाएगा। सेटअप योर मार्किंग सिस्टम एंड चूज इफ यू वॉन्ट स्टूडेंट्स टू सी देयर ओवरऑल मार्क्स। तो सेटिंग्स में जा करके, सेटिंग्स में जा करके मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ टोटल पॉइंट्स, ओवरऑल मार्क्स स्टूडेंट दिखाना है, यस। तो ये जो मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है ये आप लोगों को दिखना चालू हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। एक काम करिए, आप एक क्लासरूम क्रिएट करिए, तो आप एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करिए, देखिए हो रहा है क्या। गो टू गूगल क्लासरूम एंड क्रिएट वन क्लासरूम। सही, क्रिएट होने में जो टाइम लगेगा ना। 15 से 20 सेकेंड में। अच्छा अच्छा सब पीपल में आपको ऐड करे क्या? हाँ, हम भी वही पूछ रहे। मैं मेरे को ऐड की लिंक शेयर कर दो ना, हम ऐड, हम खुद ही ऐड हो जाएंगे। सर लिंक कहाँ से शेयर करेंगे? पीपल में जाओ, स्टूडेंट्स के बगल में प्लस साइन है ना, हाँ उसमें क्लिक करो, देखो इनवाइट लिंक बोल के होगा। ओके। हाँ हाँ कॉपी।
चलो वर्ष देखो, ये जो लिंक है ना, लास्ट का जो फोर लास्ट का जो 6 to 7 digits होता है, 74DBRLZ, ये क्लास कोड है। देखो हम वर्षा के क्लासरूम में आ गए। अब मेरे को पूछ रहा है, आप प्रवीण पटवारी के आईडी से ज्वाइन करना चाहते हैं या दूसरा आईडी से? आई वॉन्ट टू ज्वाइन विथ प्रवीण पटवारी का आईडी ओनली। सर बस इसमें तो मेरा सिर्फ लिंक कॉपी हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है. इनवाइट का ऑप्शन ब्लर है. लिंक कॉपी करके चैट बॉक्स में प्रेस कर दो ना, इनवाइट में तो ईमेल आईडी टाइप करोगे तब तो इनवाइट होगा ना। ओके ज्वाइन क्लास, यही हम लोग दिखा रहा था सर. प्रॉब्लम होगा बट ऐसे ही होता है ज्वाइनिंग। तुम लोग देखो आपस में तमन्ना, देखो तुम ज्वाइन कर पा रही हो क्या वर्षा क्लास? सर चेक करते हैं. हाँ हाँ सर सर ज्वाइन 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 करती हूँ अभी. ज्वाइन मेरा ही खाली ज्वाइन नहीं हो रहा ना, मेरा ही कुछ प्रॉब्लम है आईडी में, वो जी सूट का आईडिया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा। ठीक हाँ सर. तो इसको तुम लोग को आज हम दो ऐप सिखाए हैं, एक गूगल क्लासरूम सिखाए हैं और एक गूगल स्लाइड सिखाए हैं। इसको एक्सप्लोर करना। गूगल क्लासरूम एक बार हम अपना कॉलेज वाला तुम लोग को खोल के दिखाएंगे किस तरीके से मेंटेन होता है, तुम लोग को और बेटर आइडिया लग जाएगा। बाकी सर फिर आप भी तुम सब लोग, पढ़ाते हैं क्या भवानीपुर में? हाँ क्या पढ़ाते हैं? कॉमर्स। ओके.